अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं केक, जो इसके लिए हम केक मिक्स यूज़ करेंगे। अगर आप सिंपल केक बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मैदा चाहिए होगा। जितने इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे रखे हैं उसके हिसाब से आपको 4 कप मैदा चाहिए होगा, जिसके अंदर 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर चाहिए होगा और 1/2 टीस्पून के करीब हम बेकिंग सोडा इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हम केक मिक्स यूज़ करेंगे तो केक मिक्स के अंदर ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मौजूद होती हैं, तो इसलिए वो चीज़ें यहाँ पे नहीं रखी हुई हैं। ये भी तकरीबन 4 कप के करीब इसके अंदर जो मिक्स होता है 4 कप के करीब होता है, और इसके अंदर बटर और एग और पानी लिखा हुआ होता है शामिल करने के लिए। लेकिन हम इसके अंदर एग्स शामिल करेंगे और उसके अलावा हम इसमें थोड़ा सा 1/2 कप के करीब मिल्क शामिल करेंगे, जिसको हम 1/2 टेबल स्पून के करीब विनेगर से उसको फाड़ के बटर मिल्क तैयार करेंगे और हम इसमें बटर मिल्क ऐड करेंगे, पानी नहीं ऐड करेंगे हम इसमें। उसके अलावा शुगर ऑलरेडी इसमें मौजूद होती है बट वो इनफ नहीं होती है, तो इस वजह से हमने ये जो पाव की प्याली होती है उस तकरीबन उतनी शुगर इसमें ऐड करनी है। और बाकी व्हिपिंग क्रीम जो है वो विपिन विप की है, जो हम केक की डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। और कलर, अगर आप क्रीम को कलर करना चाहते हैं तो आप कलर जो सा भी पसंद हो वो इस्तेमाल कर लें। बाकी इसके लिए 3 टेबल स्पून के करीब घी लिया है। 3 टेबल स्पून के करीब ही आप इसमें बटर ऐड कर सकते हैं, अगर आप घी नहीं डालना चाहते हैं तो बटर ऐड कर लें। और चॉकलेट चिप्स वगैरह डेकोरेशन के लिए ही यूज़ करेंगे। तो फिर आप रेसिपी की तरफ चलते हैं। एक मिक्सिंग बाउल ले लें, जिसके अंदर आप तकरीबन पूरा जो इसका बैटर है जो तैयार होना चाहिए वो तकरीबन आपका पूरा इसके अंदर मिक्स हो जाए। तो सबसे पहले उसमें मैंने ये एग्स ऐड करे हैं। एग्स ऐड करके मैं इसको बीट कर लूँगी। एग्स को अच्छी तरह से बीट कर लेना है, इतना कि तकरीबन ये फोमी लुक देना शुरू कर दे। ये आप देख सकते हैं ये थोड़ा वाइट सा फोमी सा इसका लुक आ गया है। अब हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। आप चाहें तो 1/2 कप चीनी करके ऐड कर लें। मुझे पता है कि इसके अंदर चीनी इतनी ही तकरीबन पूरी ऐड करनी होती है, इसलिए मैं इसमें पूरी ही ऐड करूँगी चीनी। चीनी इसमें मिक्स हो गई है, तो फिर हम इसमें बटर मिल्क को ऐड करेंगे। बटर मिल्क के लिए बनाने के लिए ही है, दूध के अंदर हम सिरका डाल के दूध को फाड़ते हैं तो बटर मिल्क तैयार हो जाता है। तो बटर मिल्क तैयार करते हैं। इस तरह से आप इसमें विनेगर डाल के और इसको मिक्स कर दें। ये थोड़ी सी देर में, 1 मिनट में ही आपको नज़र आने लग जाएगा कि ये मिल्क जो है वो फट चुका है। बटर मिल्क ऐड करने से स्पंज जो है वो अच्छा बनता है, ना ही उसमें बहुत ज़्यादा होल्स नहीं नज़र आते हैं, अच्छा स्पंज बनता है, इक्वल एक जैसा। तो ये आप देख सकते हैं इसमें मिल्क जो है वो अब बटर मिल्क बन चुका है। तो हम इस मिल्क को इसके अंदर अपने इसमें ऐड कर देते हैं।
बटर में डाल के इसके अंदर इसको थोड़ा सा मिक्स करा है, और इसके अंदर जो घी था जो कि 3 टेबल स्पून के करीब था वो भी ऐड कर दूँगी मैं। दोनों चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं, और अब हम इसके अंदर जो केक मिक्स है वो ऐड कर रहे हैं। तो केक मिक्स को ऐड करके उसको हम अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो इसी की मदद से हैंड ब्लेंडर की मदद से मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। आप चाहें तो सिंपल इसको अब आप अपने स्पैचुला से या जिस भी चीज़ से आप मिक्स करना चाहें अच्छी तरह से बस मिक्स करना है, डलियाँ ना बने इसमें, और बस ये इक्वली मिक्स हो जाए। तो फिर हम इसको हीट करते हैं, अपनी पतीली या पैन जो भी चीज़ आप लेना चाहें उसको हीट करेंगे। प्री हीट होनी चाहिए, थोड़ी सी अंदर भाप बनी हुई हो अच्छी तरह से, और फिर हम इसको बेकिंग पैन में डाल के, और फिर हम इसको अपनी पतीली जो हमने हीट करी हुई होगी पहले से उसके अंदर रखेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये आप देख सकते हैं मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, तो इसी तरह से मैं सारा मिक्स जो भी है वो सब इसमें ऐड कर लूँगी। जब बैटर मेरा इक्वली तैयार हो जाएगा तो फिर मैं उसको स्टोव ऑन करके और फिर पतीली को ज़रा गर्म कर लें। हम पहले से प्री हीट होनी चाहिए, उसमें भाप बन जाए। आप ये देख सकते हैं मैंने एक बड़ी सी पतीली लेकर उसमें एक पतीली का ढक्कन उल्टा करके रखा है ताकि डायरेक्ट हीट इस पैन पे जिसमें हम बेकिंग पैन पे ना लगे। तो इसको हम अब पतीली को ढक के और फिर उसको प्री हीट करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये चीज़ देख लें कि पैन आपका जितना है उससे बड़ी पतीली हो ताकि उसको निकालने में इतना डिफ़िकल्ट ना हो। ये देखिए मैंने हायर फ्लेम के ऊपर इस पतीली को ढक के रख दिया है, तो ये प्री हीट हो रही है। इतने में हम अपना आपको दिखा देते हैं जो मिक्सर तैयार है उसको यूज करके। तैयार हो चुका है मिक्सर, तो हम इसका बेकिंग पैन के अंदर बटर पेपर वगैरह लगाते हैं। तो ये मैंने इसके अंदर बटर लगाया है, आप चाहें तो ब्रश की मदद से इसको लगा सकते हैं, और मैं इसमें बटर पेपर लगाऊंगी, और उसकी जो साइड्स हैं उनको हम एक्सेस जो भी चीज़ हो उसको काट के हम हटा देंगे। कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें बटर पेपर लगा दिया है। अब हम इसमें अपना बैटर जो था वो डालते हैं। तो बैटर मैंने इसमें ऐड कर दिया था, और इसको अच्छी तरह से इसमें सेट कर लेंगे। और आप ये देख सकते हैं बॉक्स में मेंशन है कि ये डबल स्ट्रेंथ है, तो ये एकदम से फूलता है पहले, और इसकी बैक साइड पे बॉक्स की इसमें मेंशन है कि आप कितना बैटर, कितना पैन आप यूज़ करें तो उसके हिसाब से आप कितना बैटर इसमें डालें, तो इस चीज़ को आप फॉलो कर लें। मैंने इसको दो पैंस में डिस्ट्रीब्यूट करा है, और अब हम इसको पतीली में रखते हैं। ये देखिए मैंने इसको इसमें पतीली में रख दिया है। अब इसका इसकी लिड कवर करेंगे, तो थोड़ी देर के लिए मैं हायर फ्लेम करूँगी क्योंकि भाप जो थी वो निकल चुकी है। भाप जितनी अच्छी बनेगी उतना अच्छा केक। तो आप देख सकते हैं पहले मैंने इसका हायर फ्लेम रखा है ताकि बस भाप बन जाए इतनी सी देर। एक दो मिनट के बाद मैं इसको मीडियम लो कर दूँगी। बस 2 मिनट हो चुके हैं, तो मैं इसका फ्लेम अब लो कर देती हूँ। तो मैंने इसका फ्लेम अभी आप देख सकते हैं लो कर दिया है, और अब हम इसको तकरीबन 40 मिनट के बाद देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट डन होगा। तो 45 मिनट हो चुके हैं, और मैं इसको टूथपिक की मदद से चेक कर रही हूँ। अगर टूथपिक क्लियर आई तो इसका मतलब ये है कि केक बिल्कुल अच्छी तरह से बेक हो चुका है। तो हम इसको चेक कर लेते हैं 2-3 जगह से। तो हाँ, मेरी टूथ पिक क्लियर है, तो इसका मतलब है कि केक बेक हो चुका है। तो हम इसको जब तक ठंडा होने के लिए रखते हैं, और 3 दिन में हम क्रीम को व्हिप कर लेते हैं। तो ये मैंने व्हिपिंग क्रीम ली थी, और व्हिपिंग क्रीम को मैं व्हिप कर रही हूँ। तो अब अगर आप चाहें इसके अंदर शुगर ऐड करना तो आप कर लें, ये आपके टेस्ट पर है। मैंने इसमें शुगर थोड़ी सी ऐड करी थी, बाकी अगर आप शुगर ना ऐड करना चाहें तो इट्स ओके।
तो आप ये देख सकते हैं कि ये 5 से 10 मिनट के अंदर अच्छी तरह से ये व्हिपिंग क्रीम को हमने जो इससे बीट करा है तो ये अच्छी तरह से व्हिप हो गई है। तो ये कंप्लीट करके मैं पैन से केक को निकालूंगी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ये निकाल लिया है केक को पैन से और मैं इसका बटर पेपर रिमूव करूंगी। उसके बाद हम यही वाली साइड ऊपर रख के और इसके ऊपर क्रीम वगैरह से टॉपिंग करेंगे। तो मैं इसको अच्छी तरह से क्रीम को मैं फैला रही हूँ, आप जिस चीज़ की मदद से चाहें फैला सकते हैं। और मैं इसको अब आपको फाइनल इसका जो भी लुक होगा वो दिखाती हूँ। तो ये मैंने इसको डेकोरेट कर दिया है और अगर आपके पास डेकोरेशन के टूल्स हैं तो आप इजीली इसको क्रीम की मदद से डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने एक कलर यूज़ करा है ताकि उसके ऊपर की डेकोरेशन अच्छी तरह से प्रोमिनेंटली नज़र आए। और बाकी आप सिंपल रखना चाहें तो सिंपल भी डेकोरेशन बहुत ज़बरदस्त लगती है। और बाकी चॉकलेट चिप्स वगैरह इसमें ऐड कर दिए हैं। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में आपसे मिलूँगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।